हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने एक न्यू सीरीज़ की कहानी शुरू की है, जिसकी कहानी काफ़ी यूनिक है, जो कि एक ऐसे एक्टर की है जो अपने एक ड्रामे के शूटिंग के दौरान ड्रामा वर्ल्ड में चला जाता है, जहां पे उसे एक सिस्टम मिलती है जो उसे वहां से वापस जाने का रास्ता बताती है कि अगर जियांग यहां पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट का निर्माण कर दे तो इस टास्क के कम्प्लीट होते ही वो इस फैंटेसी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में चला जाएगा। अब यहीं से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जियांग के तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं जब उसे पता चलता है कि आखिर वो कैसे किसी डिसिपल को एक्सेप्ट करता है जबकि खुद ही वो ची रिफाइनिंग के थर्ड लेवल पे है। अब जैसा कि हमें मालूम है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे लोएस्ट लेवल ची रिफाइनिंग ही होता है, इस पे उसकी सिस्टम कहती है कि इसमें वो उसकी मदद करेगी और जैसे जैसे वो न्यू डिसिपल्स को सेक्ट में इंटर करवाता जाएगा उसे काफ़ी रिवॉर्ड्स पॉइंट भी दिए जाएंगे। अब ये तो जियांग की पास्ट की कहानी थी जिसे वो सोच रहा होता है। यहाँ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो हेटिन नाम के एक बंदे को उसकी मुसीबत में मदद करते हुए सेक्ट में भर्ती करवा देता है, इसलिए उसकी सिस्टम उसे एक रिवॉर्ड पॉइंट देती है, जो कि ये होता है कि सेक्ट का निर्माण करने के लिए उसे एक टेरिटोरी दी जाती है और उसके सेक्ट का नाम सेक्ट ऑफ इमोर्टैलिटी रखा जाता है, जिसपे जियांग अपने ही सिस्टम पे चिल्लाते हुए कहता है कि किसी जगह का नाम बदल लेने से वो मेरे लिए किसी तरह का रिवॉर्ड नहीं बन जाता। आगे हम उस नए डिसिपल हेटिन को देखते हैं जो कि जियांग को मास्टर कहते हुए पुकारता है और उसे माफ़ी मांग रहा होता है, ये कहते हुए कि मेरे इतने वीक होने के कारण भी मास्टर ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ बेचारा जियांग मन ही मन सोच रहा होता है कि वीक तुम नहीं हो, यहाँ वीक मैं हूँ, जो कि मेरे इस डिसिपल से भी काफ़ी ज़्यादा लो लेवल की क्वालिफिकेशन है, तो आखिर मैं इसका मास्टर कैसे बन सकता हूँ। फिर भी हम यहाँ जियांग को देखते हैं कि वो अपनी इमेज बनाए रखता है और यहाँ फॉल्स टीचर होने का दिखावा जारी रखता है। यहाँ पे वो मास्टर जैसे बड़े बड़े शब्दों का ज्ञान उसे दे रहा होता है कि मास्टर बनने के लिए किसी को कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस उसके मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अब ये कहते हुए जियांग जैसे ही अपने नए शिष्य की बॉडी को टच करता है, वो अपनी ब्लैक ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। आगे सिस्टम जियांग को ये बताती है कि जैसे ही वो अपने नए डिसिपल को चूज करेगा, उनकी बॉडी के जो शक्तियाँ होगी वो जियांग के छूते ही एक्टिवेट हो जाएंगी। अब ये सुनते ही जियांग एज अ मास्टर यहाँ अपनी ताकत का बखान करने लगता है कि मैंने तुम्हें ये ब्लैक आयरन बॉडी दी है। अब ये सुनते ही हेतिन उसके कदमों में झुक जाता है और इसके लिए वो उसे थैंक्स कह रहा होता है। अब इस पे जियांग की सिस्टम फिर से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसके नए डिसिपल ने उसके प्रति लॉयलिटी यानी वफादारी को 10 पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है, मीन्स कि वो अपने टीचर के प्रति 10 पॉइंट से वफादार है और जितने जितने ये पॉइंट्स बढ़ेंगे उसकी एब्सोल्यूट लॉयलिटी का जियांग को ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अब हेतन के यहाँ 10 पॉइंट्स की लॉयलिटी का जियांग को ये रिवॉर्ड दिया जाता है कि उसे रोड टू इमोर्टैलिटी की एक प्रसिद्ध बुक दी जाती है। अब ये बुक के मिलते ही जियांग खुशी के मारे चिल्ला पड़ता है। अब इस बुक के मिलते ही जियांग काफी खुश हो जाता है कि अब वो गॉड लेवल के स्किल्स इस बुक से पढ़ के सीख लेगा और फाइनली वह उसे पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब वो किताब को खोलता है तो उसे काला अक्षर भैंस बराबर दिखता है। सारे के सारे वर्ड्स प्राचीन चाइनीज कैरेक्टर के होते हैं, जिसे पढ़ के उसे एक शब्द भी नहीं समझ में आता, इसीलिए वो अब इस बुक को, जो कि उसके अब कोई काम नहीं आएगी, अपने डिसिपल को ही दे देता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे सेक्ट के पहले डिसिपल हो तो ये सीक्रेट मेथड मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे लेकर के प्रैक्टिस करो, लेकिन जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की डगर काफ़ी ज़्यादा कड़े रास्तों से भरी हुई है, इसीलिए तुम इसे धीरे धीरे पढ़ना और अपने आप को डेली इम्प्रूव करना। अब ये सब वो बता ही रहा होता है कि पीछे से हेतिन की आवाज़ आती है। अब ये सब वो कह रहा होता है कि पीछे से हेतिन की आवाज़ आती है कि मास्टर, मैंने इमोर्टैलिटी कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल को सीख लिया है। ये सुनते ही जियांग हक्का बक्का रह जाता है और दूसरी तरफ हेतिन सोच रहा होता है कि कहीं मास्टर मुझसे गुस्सा तो नहीं है, कहीं उन्हें लग तो नहीं रहा कि मैं एक डल स्टूडेंट हूँ और उन्हें ये आशा होगी कि मैं इस किताब को एक झलक में ही पढ़ के सीख लूँ। अब इसीलिए वो जियांग से माफ़ी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सका, इसलिए मास्टर आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। दूसरी तरफ जियांग बस यही सोच रहा होता है कि इतनी जल्दी इसने फर्स्ट लेवल को कैसे क्रॉस कर लिया। आगे हेतिन के ये पूछने पर कि उनका नया सेक्ट कहाँ है, जियांग यूं हवा में हाथ करता है कि ये यही तो है और वहाँ हम देखते हैं कि एक टोटी फोटी से बहुत कम एरिया में बनी हुई हमें छोटी छोटी झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिसे देख के हेतिंग सोच रहा होता है कि जिस विलेज से आया है ये तो उससे भी ज़्यादा गरीब अवस्था में ये सेक्ट है और जहाँ उसे मास्टर रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया दे रहे हैं वो तो काफ़ी छोटी सी और काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। अब आगे जियांग उसका ध्यान भटकाने के लिए हेतिन से पूछता है कि जबकि तुम फर्स्ट लेवल को पार कर चुके हो तो इस बुक में आगे के लेवल्स के बारे में बता कि उस पर कैसे रीच किया जाता है, जिस पर हेतिन उसे फताफत जवाब देने लगता है। अब जैसे ही उसे बुक में लिखा हुआ सारा राज पता चलता है, वहाँ पे जियांग एक सेकंड भी नहीं रुकता और तुरंत अपनी कुटिया में जाके प्रैक्टिस करने लगता है।
लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और बेचारा सोच रहा होता है कि वो नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं ब्रेक थ्रू कर पा रहा, जबकि उसका ये डिसिप्ल उससे कई का ज्यादा गुना आगे बढ़ चुका है। तो आखिर वो उसका सेक्ट लीडर कैसे हो सकता है कि इतने में वहाँ पे हेतिन उसके कमरे में आ जाता है। और ये सिचुएशन काफी फनी होती है। बेचारा हेतिन उसे ये कहते हुए कि मास्टर आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। और इधर बेचारा जियांग कुछ ना कर पाने के कारण अपने आप में ही झुंझला रहा होता है कि उसका टैलेंट इतना बुरा क्यों है और वो क्यों नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। अब इस बात पे झक मारते हुए वो बोर होते हुए मछलियां पकड़ने लगता है। तभी उसे हेतिन चिल्लाते हुए बताता है कि वो अपने फोर्थ लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। फिर एक सेकंड के बाद फिर से उधर से आवाज आती है कि वो फिफ्थ लेवल पे पहुंच चुका है और फिर सिक्स्थ लेवल पे। ये सुनते ही जियांग जो होता है वो और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसका ये शिष्य इतनी जल्दी से रियलाइज कर रहा है अपने नए नए लेवल्स को और अब तक मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसकी सिस्टम अपेयर होती है और उसे बताती है कि होस्ट काफी अनहैप्पी लग रहे हैं और होस्ट यानी जियांग को हैप्पी करने के लिए उसे सेक्ट में एक ऐसा मेन हॉल दिया जा रहा है जो काफी ज्यादा कम्फर्टेबल और आलीशान है। जिसपे जियांग उसे पूछता है कि वो उस हॉल के कमरे को कैसे पा सकता है। तो सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हें 3 दिनों के अंदर एक नए डिसिपल को सेक्ट में एंट्री देनी होगी। जिसपे जियांग उससे कहता है कि क्या डिसिपल चारों तरफ यहाँ बिखरे हुए हैं कि मैं उन्हें चूज करके या किडनैप करके यहाँ जबरदस्ती सेक्ट में भर्ती कर दूं। तभी उसकी सिस्टम उसे तुरंत बताती है कि उसने एक डिसिपल को आसपास के एरिया में डिटेक्ट किया है और यहाँ पे जियांग को उसका नया टास्क मिल जाता है और वो उस स्टूडेंट की तरफ चल पड़ता है उसे अपने सेक्ट में भर्ती करवाने। अब ये एक लड़की होती है जिसका नाम लाइला होता है। वो काफी घबराई हुई होती है क्योंकि इसका पीछा दूसरे सेक्ट वाले कर रहे होते हैं। आगे जियांग को उसकी सिस्टम बताती है कि अगर तुम इस लड़की लाइला को उस दूसरे सेक्ट के लीडर से बचा लो तो तुम्हें रिवॉर्ड्स पॉइंट भी दिए जाएंगे। अब वहाँ पे जियांग चल जाता है उस लाइला के सामने शेखी बगारने एज अ मास्टर और उसे अपने इमोर्टैलिटी सेक्ट को ज्वाइन करने को कहता है। तभी वहाँ पे दूसरे सेक्ट के लोग और उनका लीडर भी अपेयर होता है जो कि अपने आप को घोस्ट जेड सेक्ट का बताते हैं। उसका लीडर उन्हें ये धमकी देता है, जल्द से जल्द इस लड़की लाइला को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अब यहाँ घोस्ट जेड का नाम सुनते ही जियांग के तो हक्के बक्के उड़ जाते हैं क्योंकि उस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट यही होता है। इसीलिए वो लड़की उसे ये कहते हुए वहाँ से 9-2-11 हो जाता है कि किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन इतने में वहाँ पे हेतिन आ जाता है और उन सभी से कहने लगता है कि तुम अभी हमारे इमोर्टैलिटी सेक्ट के लीडर को नहीं जानते, वो तुम लोगों को ना चूटी की तरह मसल देंगे। जिसपे जियांग उसे शांत करवाते हुए कहता है कि इतनी बदतमीजी करना ठीक नहीं है। लेकिन मन ही मन वो सोच रहा होता है कि इस हेतिन के बच्चे को कैसे शांत कराऊं, ये तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अब हेतिन यहाँ अपने मास्टर के तारीफों के पुल बांध देता है जिसपे जियांग वहाँ से ये सोचते हुए काट लेता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। कि तभी उसकी सिस्टम अपेयर होती है और उसे बताती है कि अगर तुम यहाँ लाइला की मदद करते हो तो तुम्हें एक ड्रैगन फिश एज अ पेट दिया जाएगा। जिसपे जियांग कहता है कि मुझे अपनी लाइफ बहुत प्यारी है, मुझे किसी भी तरह का कोई पेट नहीं चाहिए। अब आगे हम जियांग को देखते हैं कि जो उन सभी की नज़रों से बचते बचाते चुपके से वहाँ निकलने की कोशिश करता है। जिसपे उसकी सिस्टम फिर से अपेयर होती है और उसे कहती है कि वो इसकी सिचुएशन में मदद कर सकती है। वो इस समुन्दर की गहराई में एक स्मॉल वर्ल्ड एक्टिवेट करेगी जहाँ पे वो इन सभी बंदों को भेज सकती है। जिसपे जियांग उसे कहता है कि अब तक तुम कहाँ पे थी, इतनी देरी क्यों कर रही हो ये एक्टिवेट करने में, जल्द से जल्द इसे कर दो। अब वो जगह एक्टिवेट होती ही हम देखते हैं कि घोस्ट किंग सेक्ट के जितने भी बंदे होते हैं वो उस समुन्दर की गहराइयों के स्मॉल वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पे जाके वो उसके मेंबर्स को यही लग रहा होता है कि ये स्मॉल वर्ल्ड इस जैसे इतने गरीब सेक्ट के पास कैसे आ सकता है, क्योंकि इस तरह का स्मॉल वर्ल्ड सिर्फ हाई प्रोफाइल सेक्ट या फर्स्ट क्लास के सेक्ट ही ओन कर सकते हैं। अब इस पे उसका मास्टर कहता है कि ये कोई स्मॉल वर्ल्ड नहीं है, ये एकमात्र इल्यूजन है जो कि मेरे इस अटैक से तुरंत ही ये भ्रम टूट जाएगा। अब वो सभी मिल करके यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उस स्मॉल वर्ल्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके इस अटैक का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। हम पानी पे सिर्फ छोटे मोटे बुलबुलों और एक भवंडर को आता देखते हैं और ये देखते ही हेतिन चिल्लाते हुए उनसे कह रहा होता है कि तुमने हमारे लीडर को क्या समझ रखा है, तुम लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि मेरे सेक्ट लीडर से पंगा मत लो। अब यहाँ पे जियांग ने लाइला को भी बचा लिया था तो इसका भी रिवॉर्ड पॉइंट उसे वो फिश ड्रैगन पेट दिया जाता है, जिसे देख करके जियांग सोच रहा होता है कि आज रात के डिनर का तो इंतजाम हो गया, इसे मैं मस्त फ्राई करके खाऊंगा। अब ये सुनते ही वो फिश ड्रैगन उसे 2 चमाटे मारती है और वापस से सी के अंदर चली जाती है। जिसपे उसकी सिस्टम उसे बताती है कि ये कोई मामूली ड्रैगन नहीं है बल्कि ये तुम्हारे इमोर्टल सेक्ट का प्रोटेक्टर है जो कि एक डिवाइन बीस्ट है और ये गोल्डन इक्लेजर रिल्म से आया है। ये सुनते ही जियांग के तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि अब कौन किसको खाएगा। उधर दूसरी तरफ हम उसे स्मॉल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे वो फिश ड्रैगन अब बेर होती है।
जिसे देख करके वो दूसरे सेक्ट के बंदे डर जाते हैं। तो उनका लीडर जो होता है वो ये कहते हुए कि हमारे इस सेक्ट के मैजिकल बेल के आगे ये ड्रैगन कुछ भी नहीं है, और वो उस मैजिकल बेल को एक्टिवेट करते ही उस ड्रैगन पे अटैक करता है। लेकिन इस अटैक का उस ड्रैगन पे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। और आगे हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि इतनी विशाल काई बन जाती है कि सभी के सभी उसके मुंह के अंदर ही समा जाते हैं। आगे ज़ियांग क्या करेगा, नए नए डिसिपल्स को वो कैसे अपने न्यू सेक्ट में भर्ती करवाएगा बिना ये जाने कि वो उनका लीडर बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़ियांग के जो पावर्स है उसके सारे डिसिपल्स से काफी ज्यादा लोएस्ट लेवल पे है, फिर भी ज़ियांग उनका मास्टर बने बैठा है। अब आगे के एपिसोड्स काफी फनी और इंटरेस्टिंग भी होंगे, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।